never quit a job, you can't ignore it. I'm transforming, now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier. So guys, 2018, Yamaha ne finally announced kya tha कि वो R15 वर्जन 3 लॉन्च कर रहा है, और जो वर्जन 2 से वर्जन 3 का जो चेंजेस था एकदम ड्रास्टिकल चेंज था. आपको उसमें इंजन, ABS और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने मिल गई थी, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था. और यहाँ पे इस बाइक में आप बात करें तो आपको टेक्निकल फीचर्स भी बहुत सारे मिल रहे थे, जैसे ABS, स्लीपर क्लच, VVA. मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि 150cc की बाइक में इतनी सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी. सो जब यहाँ ने अनाउंस किया, एकदम सरप्राइज लॉन्च था R15 वर्जन 4, वो भी पूरे ग्लोबली इंडिया में लॉन्च किया गया. किसी वर्ल्ड में पहले इंडोनेशिया में लॉन्च होती थी, बट इस टाइम यहाँ ने जो है इंडिया में लॉन्च किया. और लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि वर्जन 2 और वर्जन 3 के जो बीच में चेंजेस थे ना, ऐसा लगते थे हाँ भाई चेंज हुआ है बहुत कुछ. बट अभी बात करते हैं R15 वर्जन 4 के बारे में. यहाँ ने कुछ दिनों पहले ही अनाउंस किया एंड लॉन्च किया अपने इंडिया में R15 वर्जन 4. तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी यामाहा से, और यामाहा ने कुछ हद तक उसको बोल सकते हैं फुलफ़िल किया. इंडियन कस्टमर की बहुत लोग की डिमांड थी कि KTM ज़्यादातर मार्केट में थी, लोग देखते थे कि इतना स्पेंड करें तो USD. एक की फीचर्स था KTM का कि आपको USD मिल जाता था और दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारे लगते थे. तो यामाहा ने वो चीज़ को सुना और आपको जो है ना गोल्डन, डायरेक्ट गोल्डन USD दे दिया. KTM में ब्लैक आती है, गोल्डन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो आपको जो है गोल्डन USD देखने मिल गई इसमें. और साथ ही में थोड़े बहुत और चेंजेस किए यामाहा में, जैसे फुल बॉडी चेंज किया. अब जो इसकी बॉडी है वो वर्जन 3 से और एरोडायनामिक्स है, हवा को और अच्छे से काट. उसके बाद यामाहा ने इसमें क्विक शिफ्टर इंप्लीमेंट किया, और वो बोल सकते हैं पूरे इंडिया में कोई ऐसी बाइक नहीं है जो 150cc की जो क्विक शिफ्टर प्रोवाइड करती है. बट आपको यामाहा में यहाँ पे 150cc की बाइक में क्विक शिफ्टर देखने मिल जाएगा, और बहुत ज़्यादा स्मूथ, बटर स्मूथ है. और उसका जो बोल सकते हैं ना वर्किंग, आपको ऐसा लगेगा नहीं कहीं पे लैग हो रहा है. इससे पहले मैं 390 में क्विक शिफ्टर यूज़ किया था, दोनों के कंपेयर करूँ तो दोनों अपनी जगह पे सही है, बट इसका थोड़ा ज़्यादा स्मूथ लगा मेरे को. थोड़ी बहुत चीज़ों से मैं यामाहा से थोड़ा सा नाराज़ हूँ, वो है इसका इंडिकेटर्स. सिंस यामाहा लॉन्च R15 वर्जन 2, तब से लेके अब तक R15 वर्जन 4 तक आपको जो है सेम हेलोजन इंडिकेटर देखने मिल जाता है. बाइक का लुक इतना मॉडर्न है, बट आपको जो इंडिकेटर्स देख सकते हो अभी भी वही ओल्ड स्टाइल में आपको इंडिकेटर्स देखने मिल जाते हैं. इसकी विजिबिलिटी, जब आप बाइक राइड करते हो तो मिरर की विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी V3 की थी, कुछ पोजिशंस के वजह से ऐसा होगा. बट उसके वजह से मैंने जो इसमें R1M के जो ZXNR के आफ्टर मार्केट मिरर्स आते हैं वो इसमें इंस्टॉल किए. अभी जो इसका राइडिंग में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि पीछे से क्लियर है. हाईवे पे जो आप टर्न लेते हो यानी लेन चेंज करते हो तब थोड़ा अच्छा क्लियर विजिबल रहता है. उसके बाद जो इसमें इंप्लीमेंट किया था वो था ट्रैक्शन कंट्रोल. ये बाइक है, ट्रैक्शन कंट्रोल इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था इस बाइक के लिए, क्योंकि इतना इंजन इसका पावर प्रोड्यूस तो करता नहीं कि फर्स्ट गियर में अपने क्लच छोड़ते व्हीली हो जाएगी. बट बोल सकते हो कि एक फीचर यामाहा ने उसमें ऐड कर दिया, ताकि कि कभी भी अगर इसको सेल कर रही है तो कस्टमर को बोलने के लिए एक और चीज़ हो जाएगी कि हाँ भाई इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है. और देखा जाए तो कोई कोई जगह पे काम भी करेगा जैसे मिट्टी वाले रास्तों में, बट ओवरऑल बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल की इतनी ज़रूरत थी कि नहीं, तो मेरी सबसे ये चीज़ नहीं है. जो दूसरी मेजर चीज़ इसमें चेंज की है वो है इसका मीटर. तो इसका मीटर जो है टोटली अभी चेंज हो चुका है. मीटर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिल जाएगी. यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मीटर किस तरीके से, इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर किस तरफ से, इसमें आपको ट्रैक मोड देखने मिल जाएंगे, और सारी की सारी आपको चीज़ें यहाँ पे देखने मिल जाएगी जो बाइक के रिलेटेड है. दूसरी चीज़ ब्लूटूथ, तो इसमें इससे आप जो है ना अपनी डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, और उसी सेम टाइम पर आपका जो है RPM बताता है बाइक का, एंड वो भी बोल सकते हो एक अच्छा फीचर दिया है इसमें. जबकि बात करें इसके मीटर की, तो इसका मीटर भी बहुत ज़्यादा एडवांस है, आज के दिन पे भी अच्छा लगता है. और इसमें जब जैसे ही बाइक चालू करोगे तो एक वेलकम लिखा हुआ आता है, जैसे यहाँ पे इसने बाइक में लिखा है हनी, तो इस तरीके से जो है अपनी बाइक का नाम रख सकते थे आप, और ये सारी चीज़ आपको देखने मिल जाती है इसमें. तो ये सारे फीचर्स है. और मीटर की बात करें तो इसका मीटर भी एकदम प्रॉपर है. और दूसरी चीज़ जो इसमें इंप्लीमेंट की गई है वो है हैज़र्ड. तो अभी कंपनी ने इसमें जो है डायरेक्ट हैज़र्ड, जैसे आप देख सकते हैं इसको ऑन करते हैं हैज़र्ड, चारों इंडिकेटर साथ में चलेंगे, तो ये एक चीज़ में इंप्लीमेंट की है. और दूसरी थी अपनी BS6 में, ज़्यादातर अभी बाइक जो भी लॉन्च हो रही थी उसमें ये वाला इंजन किल स्विच, आपने देखा होगा कि मीटर लॉन्च हुई तभी भी ये वाला किल स्विच था इसमें, जिसमें वन बटन से आप जो इंजन स्टार्ट कर सकते हो वो चीज़. और ये सारी चीज़ जो थी इसमें इंप्लीमेंट की गई. पीछे से थोड़ा डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा चेंज किया गया, बाकी सारी चीज़ें आप देखोगे ना ये सीधी एक बोल सकते हो कि R15 वर्जन 3 है, जिसमें सारी एसेसरीज लोड कर दी गई है और बॉडी में चेंजेस कर दी गई है. मतलब टोटल जो चेंजेस में कॉस्मेटिक्स है और इंजन में आपको कुछ इतना फ़र्क नहीं मिलेगा, वो सेम इंजन है, जस्ट उठा के इसमें रख दिया है एंड इसको ऊपर से कॉस्मेटिक चेंज कर दिया है. तो ये पूरा है. बाकी फिट एंड फिनिश की बात करें तो जब लॉन्च हुई थी
उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे उसका टैंक पैड खुल जाता था, तो यामा ने वो सारी बाइक रिकॉल की थी और जो है सर्विस सेंटर में एक एक करके सारे कस्टमर्स का जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व किया था। बट वर्जन 4 में अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। प्लास्टिक क्वालिटी वर्जन 3 के टैंक से बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये बोल सकते हो ना ऐसा लगता है स्टेडी है पूरा, ये जैसा निकलने का डर नहीं लगता। साथ ही में ये वाला थोड़ा सा मेरे को पतला लगा ये, पर उसका थोड़ा सा मोटा है, तो वो एक चीज़ है। बाकी ओवरऑल बाइक में देखा जाए तो यहाँ पे सीट जो पिछले बार ये वाली सीट पूरी निकलती थी, रिमूव होती थी वर्जन 3 में, अब की बार वापस से जो वर्जन 2 में अपनी पीछे की डिक्की खुलती है सेम वही, यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज ऑप्शन दे दिया है, यूज़ेबल नहीं है, आप लोगों को बताता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखोगे बहुत कम चीज़, मेरे हिसाब से आप इसमें एक फ़ोन तक नहीं रख सकते हो, कुछ जगह नहीं है इसमें, जस्ट आपको यहाँ पे थोड़े बहुत सेफ्टी किट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर और इसके पीछे जो है एलंकी और अपना स्क्रू ड्राइवर का लैच रखा हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इजीली फिक्स हो जाता है। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस किए थे यामाहा ने और इतना ज़्यादा बोल सकते हो ड्रास्टिकल चेंज नहीं था V3 से V4 में, क्योंकि V2 को V2 चल रही थी मार्केट में तब लोगों का हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था, V3 लॉन्च हुई थी कि हाँ V3 में कुछ किया है यामाहा ने, तो ये सारी चीज़ें चेंजेस थी। और एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस मुझे इस बाइक में लगी कि हाँ यामाहा ने बहुत अच्छी की है, वो है हेडलाइट। तो इसका जो है अभी आपको MT15 में जो प्रोजेक्टर्स आते थे वही सेम प्रोजेक्टर इसमें देखने मिल जाएंगे, बट इसका थ्रो इस ड्यूअल हेडलैम्प से बहुत ज़्यादा LED से बोल सकते हैं 50% ज़्यादा है। तो यही पूरी ओवरऑल बोल सकते हो एक की स्पेसिफिकेशन थी इस बाइक की, जो थोड़े बहुत चीज़ें बढ़ाई गई, कॉस्मेटिक चेंज किए, एसेसरीज़ बोल सकते हो ना एसेसरीज़ लगाया और इतना कुछ था नहीं। तो और फिट एंड फिनिश थोड़ा अच्छा है इसका, ये मैंने नोटिस किया, इसमें जो गैप्स बॉडी के बीच में गैप्स है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम हो गए, स्क्रू और एलिंकी का यूज़ बहुत ज़्यादा कम है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइज यही था पूरा ओवरऑल दोनों बाइक के कंपैरिजन के बीच में। अभी बात यही उठती है कि क्या 30-40,000 वर्थ इट है कि नहीं इस बाइक के लिए। तो लुक्स के मामले में देखा जाए या तो USD आपको इसमें मिल गया, क्विक शिफ्टर मिल गया, तो बहुत सारी चीज़ें एसेसरीज में लोड हुई है, वर्थ इट है, बहुत वर्थ इट है, क्योंकि आपको जो है ना एक प्रॉपर मशीन मिल जाती है, अभी आपको एक प्रॉपर पैकेज मिल जाता है। आप अगर एक बोल सकते हो कि स्टार्टर हो, आपको ट्रैक पे बाइक चाहिए, तो ये एक परफेक्ट मशीन हो सकती है आपको ट्रैक सीखने के लिए। तो आज का वीडियो बस यही था बाइक के दोनों के कंपैरिजन के ऊपर, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। करते इस वीडियो को देर एंड मिलते अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए पता ना क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, पीस आउट।